गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया है 8:50। नींद काफ़ी अच्छी आई डॉम में और अब डे टू स्टार्ट। जल्दी से उठ के नहा धो लेता हूँ क्योंकि थोड़ी देर में बाकी आज की चिंता भी आने लग जाएगी यहाँ पर और फिर बाथरूम बिजी हो जाएंगे, तो जल्दी से तैयार हो जाते हैं और आज का दिन शुरू करते हैं। तो भाई अब 11 बज चुके हैं और मैं तैयार हो गया हूँ नहा धो के। मैंने स्कूटी के लिए भी कॉल कर दिया है, स्कूटी लेके आने वाला है, तो मैं जल्दी से ना आपको अपनी प्रॉपर्टी का क्विक टूर दे देता हूँ। तो यार ये देखो, ये गोस्ट स्टॉप करके प्रॉपर्टी है, ऐसा गेट है इसका। और इस प्रॉपर्टी की खास बात, ये 105 साल पुरानी है और वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में रजिस्टर है। तो जो गोस्ट स्टॉप ने प्रॉपर्टी को लीज़ किया है और इसमें ना ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा सा ही चेंज कर सकते हैं क्योंकि एज आई से कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और अंदर घुसते ही ऐसे रिसेप्शन आ जाता है, ऐसा रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पर ड्रिंक्स वगैरह है। और हेलो भैया, रिसेप्शन एरिया है और ये स्कूटी वगैरह खड़ी करने की जगह है। तो एक एंट्रेंस यहाँ से है, यहाँ से आप एंटर करेंगे और ऐसा एक फर्स्ट डॉम आ जाएगा। ये मेरे ख्याल से 8-bed डॉम है और साथ में एक ये रूम है। तो ये रूम अभी एक्चुअली ऑक्यूपाइड है और वो ये दूसरा रूम है, ये बाथरूम है, दो बाथरूम है। बाथरूम अगर मैं ऐसे देखूँ गंदा ही हो रखा है क्योंकि सुबह सुबह सब नहा के गए। अच्छा बड़ा बाथरूम है, ये रूम भी बाथरूम है अटैच और ये कपल्स वगैरह के लिए है। एक ये डॉर्म है, नहीं एक ये रूम भी है, सॉरी ये भी रूम है बट ये विदाउट बाथरूम है, आपके लिए बाहर का बाथरूम यूज़ करना पड़ेगा। ये सिटिंग एरिया है और ये मेरा वाला डॉर्म है, ये मेरा बेड है, वो थोड़ा गंदा हो रखा है, ठीक है। और इसकी मैं ऊपर वाले में दिखाता हूँ, ठीक है। ये डॉम है, बिल्कुल खाली है, मैं ही हूँ यहाँ पर। और ये लॉकर्स होते हैं, प्रॉपर बड़े बड़े लॉकर्स हैं, आप उसमें सामान रख सकते हो और ये लॉक हो जाता है, की आपको दे देते हैं, ठीक है। सॉकेट्स वगैरह बहुत है यहाँ पर है। आप अपने बेड पर आएंगे तो आपको स्टडी लाइट मिल जाएंगी और दो सॉकेट चार्जिंग के लिए, फ़ोन रखने के लिए, हैंगर्स और ये फ़ैन भी है। प्लस एसी 24 आवर चलता है। मैं अकेला हूँ इस रूम में और मैं कल जब आया था 8 बजे तब से एसी ऑन हो गया, अब ऑन ही रहता है ऑटोमेटिकली क्योंकि गोवा में बहुत गर्मी पड़ रही है। थोड़ा और दिखाता हूँ आपको प्रॉपर्टी के बारे में। भैया इसमें लाइट जलाएंगे एक बार लाइट। तो ये वो वाला रूम है विदाउट बाथरूम, देखो ऐसा बेड है, सिटिंग एरिया है, प्लस ये बंद ही रहता है, ऐसा रूम है। ये थोड़ा सा सामान रखने के लिए, पर इसमें बाथरूम नहीं है, सॉकेट्स वगैरह हैं इसमें। एक एक साथ में ये दो डॉम है, ये 12-bed डॉम है, काफ़ी बड़े डॉम है, आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। इसके बाद ये पीछे का एरिया जाता है, ये सिटिंग एरिया, इंजॉइंग एरिया, यहाँ पर आप वर्क काम कर सकते हैं, वर्किंग पीपल्स के लिए अच्छा है। देखिए सॉकेट दे रखे हैं हर जगह, लैपटॉप वगैरह लगाने के लिए। और सामने आगे से ये शेड भी लगाई हुई है ताकि हवा और साउंड थोड़ा सा कम ही रहे। ये भी सिटिंग एरिया है, ये 4 बाथरूम है और 4 बाथरूम है। बाकी ये थोड़ा सा फन एरिया है, आप यहाँ चिल कर सकते हैं, रात को स्मोक कर सकते हैं, ठीक है। बियर वगैरह यहाँ पर चलती रहती है, ज़्यादातर यंगस्टर आते हैं तो उनके लिए चिल करने के लिए एरिया है।
प्लस एक थोड़ा सा फन एरिया और भी है यहाँ पर। बाकी इस प्रॉपर्टी की खास बात, ये बहुत मिलेंगी आपको। क्या हुआ बुरी परेशान क्यों कर रहे? ये अनदर एरिया है, ये भी चिलिंग एरिया है, सिटिंग वगैरह, बियर वगैरह और कुछ गेम्स वेम्स भी हैं आपका टाइम पास करने के लिए। वैसे गोवा में गेम्स कौन खेलेगा, सब बीचेस में होंगे इस टाइम। और फिर ये यहाँ से वापस वो बाहर वाला रोड आ जाता है और ये रिसेप्शन। तो यार ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी का ओवरव्यू था, ठीक है। और मैं देख, अच्छा ये डोम खुला हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ जो अटैच बाथरूम वाला रूम है वो कैसा है। थोड़ा सा गंदा होगा क्योंकि ये है अटैच बाथरूम वाला, इसमें ये सिटिंग एरिया है और प्लस बाथरूम में मिरर भी है यार। थैंक यू। तो ये यार छोटा सा प्रॉपर्टी का ओवरव्यू था। अब जल्दी से स्कूटी वाला आ जाता है, स्कूटी जो मैंने रेंट आउट किया वो लेते हैं और फिर निकलते हैं आगे घूमने के लिए। थोड़ा सा नाश्ता भी कर देंगे रास्ते में, भूख बहुत लग रही है। तो भाई अपना स्कूटी वाला भैया आ गया है तो जल्दी से स्कूटी ले लेते हैं। यार ये स्कूटी आई है रेंट आउट ने, एक बार इसकी वीडियो बना लेते हैं। एक सेकेंड कॉलिंग भाई। ये स्क्रैचेस लगे हुए हैं, लाल कलर है, बिल्कुल खतरनाक। और ये स्क्रैच भी लगा हुआ है। बाकी ऐसा स्कूटी है, चलो अब इसको लेके घूमते हैं गोवा की सड़कों में। यार ये मैं आ गया हूँ एक पास ही ब्रेकफास्ट करने के लिए, देखते हैं क्या खाना होता है। तो यार यहाँ मैंने ना पूड़ी भाजी ऑर्डर कर दी है और एक चाय। और यहाँ गोवा आने के बाद थोड़ा सर्द गर्म हो गया है तो ये थोड़ी सी वैसे हो गई है। तो चलो आज चलते हैं, स्कूटी रेंट आउट कर ली है, खाना वाना खा के फिर निकलते हैं, वरना पूरा दिन निकल जाएगा हॉस्टल में बैठे बैठे। टाइम हुआ है 12:22, अब चलो निकलते हैं वरना दिन पूरा ऐसे ही निकल जाएगा। स्कूटी चलाते हैं, पहले तो स्कूटी चलाएंगे और पहले नियर बाई कैलंगूट बीच ही दिखाता हूँ जो मैंने कल लास्ट वाले ब्लॉग में दिखाया था आपको। चलो दिन में दिखाता हूँ आपको कैसा है। ये भी चल पड़ी है मेरे साथ, बोलता मुझे भी बीच पर जाना है। नहीं नहीं तुम यहीं रुको, पानी वानी में डूब जाओगी। फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ कैलंगूट बीच पे और आप देखो भीड़ काफ़ी हो रखी है, काफ़ी लोग आ रखे हैं। गर्मी बहुत हो रखी है तो पानी ठंडा लोगों को अच्छा लग रहा है, ऊपर से समंदर, भाई साहब आए इसी के लिए समंदर में घूमने के लिए। बाकी कैलंगूट को यार क्वीन ऑफ बीचेस भी कहा जाता है और ये गोवा का लार्जेस्ट बीच है। ये साथ में इसके बागा और कोडिलम बीच आते हैं आगे, अगर आप इसमें आगे चलते रहेंगे तो आपको बागा आ जाएगा फिर कोडिलम भी आ जाएगा। तो यार इस बीच में मैं काफ़ी देर घूम गया, काफ़ी मैंने शॉट्स भी ले लिए। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से बागा बीच जाता हूँ और बागा बीच स्कूटी में जाता हूँ क्योंकि यहाँ से पैदल चल के वापस उतना ही आना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लंबा है बीच है ये। और इस बीच के बारे में एक और बात है कि यहाँ शैक्स आपको 24 आवर्स मिलेंगे, इवन गोवा के हर बीचेज़ में आपको 24 आवर्स शैक्स मिलेंगे जहाँ आप बियर शराब खाना पीना सब कुछ और इन्जॉय कर सकते हैं। काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा हो आप ये जो पैराग्लाइडिंग ही बोलते हैं इसको, जो भी है वाटर स्पोर्ट्स में जो आता है। बाकी स्पीड बोट्स और यार वो जो पानी में चलने वाला स्कूटर नहीं होता वो भी यहाँ करवा रहे हैं, पूरा पैकेज बेच रहे हैं। पर उस पैकेज में एक ध्यान रखिएगा, आपको बोलेंगे 1500-2000 का पैकेज पर आपको ना छोटी छोटी राइड्स करवा देंगे, फिर उसमें बोलेंगे कि उसमें आप 500-1000 रुपये ज़्यादा डालें आपको आगे तक लेके जाएंगे,
तो पहले से ही थोड़ा बार्गेनिंग करके चलेगा इस समय, क्योंकि इनका पीक सीजन है तो क्लाइंट कहीं जाए ना तो ये सस्ते में भी कर देते हैं। और ये बीच से निकलते ही आपको हर जगह मार्केट मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको कई फ्रूट वगैरह काजू इवन सब कुछ बेचते हैं, और यहाँ थोड़ा महंगा मिलता है क्योंकि बीच पे आप आ गए तो लेना तो यहीं से पड़ेगा ना। और भाई ये ना बीच मिले बीच में, कंपनी बैंकक्रप्ट होगी पर बिकती ये बहुत है। ये हमारी स्कूटी पार्किंग, और मेरी स्कूटी सबसे एंड में पार्क है। हाय हाय, इतनी धूप हो रही है यार, रेत इतनी गर्म थी पैर जल गए मेरे। देखो मैं चप्पल पहन के गया था भैया, जूते पहनने की तो कोई ज़िंदगी में गलती करना वहाँ पर। और ये रही हमारी बाइक, और सीट देखेंगे तो भाई जलने वाली है आज। अगर बागा बीच का बताऊं तो ये बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा पब्लिक यहीं बीच पे आती है, और सबसे ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स भी यहाँ होती है। पर यार ये जो पीछे देख के आपको लग रहा होगा कि यहाँ पब्लिक कम है और वाटर स्पोर्ट्स के ऑप्शन भी कम है, ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा तो कैलंगूड में थी, वहाँ पर लोगों की भीड़ ज़्यादा थी। यहाँ पर भीड़ का पता नहीं, शायद 2 बज रहे हैं, लोग शायद 4 बजे आते हो यहाँ पर। बट गूगल तो ये कह रहा है कि भाई बागा बीच में कैलंगूड से ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, इवन सबसे ज़्यादा होते हैं वो। बाकी एक और फ़र्क है कि यहाँ की रेत सॉफ्ट और वाइट कलर की है। बाकी बागा भी वैसे कैलंगूट डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है, और अगर ज़्यादा ना आपको पता चले तो अगर ये दूर दिख रही है ना आपको पब्लिक अगर दिख पा रही है तो वो कैलंगूट बीच। तो यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर होगा सीधा चले, और हम स्कूटी में 3 किलोमीटर साढ़े तीन या 4 किलोमीटर घूम के आए हैं यहाँ पर। पर यार इस रेत पे चलना भी ना वो 4 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि बहुत ताकत लगानी पड़ती है। सर अंजुला ये सीधा है, अंजुला आगे चेक के राइट राइट करो। ठीक है भाई, पुलिस ने पकड़ लिया था, रोक लिया तो मैं डर गया। और उन्होंने पूछा लाइसेंस देखा, आगे जाने दिया। भाई दिल्ली में जो पुलिस वाले रोकते हैं ना वो नोट लिए बिना नहीं छोड़ते, या तो चलान काट देंगे या फिर सीधा 500 रुपये। 100-200 में भी बच सकते हो, पर तुम्हारे पर्स में उस टाइम 200-200 ही होना चाहिए, इसलिए 500 का नोट ना छिपा के रखा करो, 100-200 रखा करो। पुलिस वाले ने पकड़ा है ही इतने पैसा। चलो अभी गोवा के पुलिस वाला तो सही दिखता। और यार इस बार अच्छी बात ये हुई कि मैंने हेलमेट लगाया हुआ था। मैं जब भी यार किसी भी बीच पर पार्किंग में खड़े करते हुए निकलता हूँ, चलाते से मुझे याद ही नहीं आता कि वो डिग्गी से हेलमेट निकाल के भी पहनना है। यार गाड़ी वाड़ी चलाता हूँ, स्कूटी वगैरह स्कूटर इतना टाइम हो गया चलाए हुए तो याद ही नहीं रहता। अभी बीच में याद आया था, अभी भी मैं आ रहा था तो मैं उतर के पहले हेलमेट लगा दिया। ना हेलमेट का चलान जरूर काटते क्योंकि यहाँ हेलमेट का 1000 रुपये का चलान है। थोड़ा सा देखो, एक्चुअली अंदर नहीं जा पाऊंगा मैं तो बाहर दीवार के ऊपर से ही बना रहा हूँ। पूरा तालाब सा है देखो कितना बड़ा, और ये पूरे भरे हुए हैं, पूरा पूरा रिजॉर्ट है। देखो कौन सा है रिजॉर्ट है, बताता हूँ आपको। बड़ा अच्छा है, हैपनिंग सी प्लेस है, और ऐसे ना दीवार से पूरा कवर है तो मैं रोड के साइड से दीवार के ऊपर से आपको बना के दिखा रहा हूँ। अच्छा बना पूरा एक प्रॉपर्टी है ये।
कुछ मरीना कुराना करके है होटल, यार होटल रिजॉर्ट जो भी बोल लो, पर बहुत बड़ी 5-स्टार प्रॉपर्टी है। तो भाई यहाँ पार्किंग लगा दी है मैंने, थोड़ा छांव है वही ठंडा रहेगा, बोल रहे थे वहाँ लगाओ यार, कौन गर्मी में लगाएगा, ठंड में लगाइए आराम से। और यहाँ यार अंजुना की पार्किंग भी बहुत सस्ती है, 20 रुपये, 20 रुपये रात के 12 बजे तक, मतलब अगला दिन शुरू ना होने तो पूरे दिन की 20 रुपये। तो भैया सबसे सस्ती पार्किंग अभी तक तो मुझे अंजुना की मिली है। चलो बाकी लॉक करते हैं और देखते हैं अंजुना बीच में है क्या। अब हम जिस जगह खड़े हैं वो है अंजुना बीच। तो भाई एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही, मैंने गूगल में सर्च किया, अंजुना बीच को लिखा गया है कि बहुत पार्टी, नाइट पार्टीज, नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी है, तो इसकी पार्टी होती कहाँ है? आप देखो ज़रा पूरे बीच में देखो, एक तो कोई लोग नहीं और पूरे बीच में वहाँ तक से देख लो, वहाँ से यहाँ तक आप कोई भी शैक्स नहीं दिखेंगे आपको, जो बीच के बाहर शैक्स होते हैं ना। हाँ ऊपर की साइड बने हुए हैं वो भी कोई इतने ख़ास नहीं है, और इससे ज़्यादा तो कैलंगूट और बागा में थे शैक्स। यार एक चीज़ देखो, यहाँ के पत्थर देखो कैसे हैं, नॉर्मली पत्थर ना पानी में सॉफ्ट हो जाता है, मतलब चिकना चिकना हो जाता है, ये पत्थर यहाँ जो पड़े हुए हैं ये पता नहीं देखो कैसे कैसे हो रखे हैं, ये देखो खुदरे खुदरे से, भाई साहब यहाँ गिरे ना तो छिल छिला जाएगा। उसके बाद देखो ना, क्योंकि यहाँ पर पत्थर ज़्यादा है, थोड़ा रॉक्स हैं पानी में, तो यहाँ पर कोई वाटर स्पोर्ट भी नहीं हो रहा, ये रास्ता बंद किया हुआ है, तैरना मना है बोल दिया है। और ये जो आगे वाली रॉक्स है ना, ये थोड़ा सा हाँ फिर भी सॉफ्ट सी हैं, सॉफ्ट का मतलब गिरेंगे तो इस पर भी चोट लगेगी, पर ये थोड़ा स्मूथ है। ये देखो कितनी खुरदरी खुरदरी रॉक है, क्या क्या बन गया है देखो यहाँ, ये गड्ढा से कैसे बन गया यार, कुदरत भी कमाल होती है, क्या क्या करिश्मे बना देती है। पर यार पूरे अभी तक ये जो तीसरा मेरा बीच है सबसे सुनसान बीच है भैया, यहाँ पर गिन के 15 लोग होंगे, 15 लोग देख लो, आप ऊपर भी देख लो आपको दिखेंगे, ये आ रहे हैं और कुछ तो जा भी जा रहे हैं पर कोई रुक नहीं रहे। उसका रीज़न ये है कि गर्मी बहुत हो रही है और यहाँ पर स्विमिंग तो दूर, यहाँ पहाड़ पत्थर है तो नहाने को नहीं मिल रहा, रेत वेत होती है तो बंदे खुद को गीला कर लेते हैं, ठंडे में बैठ भी लेते हैं। तो यार ये जगह मेरे को लगता है कि अगर किसी को शांति से रॉक्स पे बैठ के आराम से लहरों को सुनना है तो थोड़ा सा शाम के टाइम अच्छी वो जगह है टाइम बिताने के लिए, पर अगर आपको पानी में खेल कूद करना है, स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट करना है, तो जो पहले वाले बीचेस थे उनमें जाके ट्राई करो। एक और चीज़ यार जो मुझे ख़राब लगी, लोग आ जाते हैं यार बहुत मज़े करते हैं, गोवा गोवा गोवा, और ये देखो जैसे पानी की बोतलें यहाँ पर, यहाँ पर, वहाँ देखो बियर की बोतलें, सब यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा ना हमें खुद ही वो ध्यान रखना चाहिए। यार जैसे कि गोवा है ना, इतनी अच्छी जगह है, बीचेस हैं, आप इंजॉय कर सकते हो, दारू पी सकते हो, मस्ती कर सकते हो, डांस कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, फिर इसको गंदा तो ना करो, ऐसे ऐसे अगर ये गंदा हो गया पूरा फिर आपको गोवा आने का मन भी नहीं करेगा, लेकिन गंदगी है वहाँ तो की किसने, आप ही जैसे लोगों ने। तो यार रिक्वेस्ट है अगर आप गोवा हो तो आपके हाथ में बॉटल हो या कोई कागज़ हो कुछ भी हो आप उसे कूड़ेदान में डालो, यहाँ कूड़ेदान बहुत जगह लगा रखे हैं गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, हर जगह उन्होंने बोल दिया है, इवन पीछे बीचेस के अंदर भी कूड़ेदान थे आप, पर लोगों ने साइड में फेंका हुआ है, दारू भी फेंक दी। नशा करो नशे में चाहे जो करो, एक चीज़ नशे में भी याद रखो कि आपको कोई भी बोतल वगैरह ऐसे नहीं फेंकनी, उसको सीधा कूड़ेदान में डालना है। चलो यार यहाँ से निकलते हैं, नेक्स्ट बीच को वो करते हैं, क्योंकि 3:30 बज चुके हैं, फिर अगर जैसे अंधेरा हो गया तो फिर मैं बना भी नहीं पाऊंगा,
नेक्स्ट डे पे। आज सोच रहा हूँ जितना कवर हो जाए आज बीचेस कवर कर लूँ, कल कुछ और चीज़ कवर करूँगा आपके लिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो यार अभी मैं आ गया हूँ वेगेटर बीच में, और ये बीच मुझे थोड़ा हैपनिंग लग रहा है, तो दिखाता हूँ आपको कितना हैपनिंग है। ये देखो यार बीच, तो ये बीच छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट अंजुना से अच्छा तो यहाँ आना है। देखो शाफ्ट लगे हुए हैं, सब कुछ बियर वगैरह सब कुछ सर्व हो रही है, और ये यहाँ तक है ये बीच। यहाँ थोड़ा वाटर स्पोर्ट हो भी रही है, ये देख रहे होंगे आप, तो वाटर स्पोर्ट है यहाँ पर। इस बीच में देखते हैं क्या क्या है। तो यार मैंने गूगल में देखा वेगेटर इज़ द मोस्ट हैपनिंग बीच बोलते हैं, मतलब फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा बीच है। नॉर्मली हाँ बीच में पब्लिक कम है, बट फोटोग्राफी के लिए तो मेरे ख्याल से बागा भी अच्छा था, कैलंगूट भी बीच अच्छा था। बाकी यहाँ वेगेटर को एक और नाम भी है, इसको डिस्को वैली भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ट्रांस पार्टी होस्ट होती हैं काफ़ी। इसके अलावा एक और सबसे अच्छी चीज़, अभी तक जितने बीचेस देखे हैं, जितना एरिया देखा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरनर है, फॉरनर वेगेटर को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इन नॉर्थ गोवा। और यहाँ पब्लिक भी कम है, वाटर स्पोर्ट्स यहाँ हो रहे हैं पर पब्लिक भी कम है। और एक और फैक्ट यार कि जो वेगेटर है वो एक्चुअली नाम निकला है वेगा, वेगा मतलब टाइगर, और टी आई टिर इस शोर, शोर को बोलते हैं, मतलब जैसे ये जो समंदर का शोर, शोर मतलब आवाज़ वाला नहीं, जो सतह समंदर की, तो इन दोनों को मिलके इनका नाम वेगेटर पड़ा है। ये मुझे गूगल बाबा से पता चला है, गलत होगा ना तो उसी का दोष है, मेरा नहीं है। तो ऐसा देखा जाए तो अभी तक मेरे हिसाब से जो मैंने बीचेस देखे हैं तो सबसे अच्छा बीच था यार कैलंगूट, और फिर बागा, उसके बाद ये, और फिर अंजुना तो बस देखने के लिए है यार डेफिनेटली। अगर मेरे को लगता नहीं जाता लोगों को पसंद आएगा, बट हाँ कि अंजुना बीच है, चलो गोवा गए हैं तो देख लेते हैं। तो अब चलते हैं, घूम लिया इस बीच में, और मेरे को ना सर्द गर्म हो गया, नाक बड़ा बह रहा है, सॉरी यार थोड़ा हो रहा होगा, मैंने सुबह भी बताया था थोड़ा सा तभी तो ऐसी हो गई है। तो चलते हैं यार, सबसे पहले यार लंच करते हैं, मैंने लंच नहीं किया हुआ क्योंकि 4 बज चुके हैं। तो भाई मैंने ऑर्डर किया है एक हक्का नूडल्स और साथ में एक कोक पीऊंगा। तो भाई लोगों सीन ये है कि मैं अब सीधा लंच करके सीधा अपने यहाँ आ गया हूँ डॉम में, और मैंने क्योंकि मेरे यार सर जुकाम हो गया था, मैं बता रहा था सुबह से मेरी परेशानी थी, चेस्ट एंड कोल्ड ले लिए, 3 गोली बोला, 3 गोली से हो जाएगी, 4 घंटे में खा लेना, तो आज भी मैंने गोली खा ली है, अब थोड़ा सा रेस्ट करके सो जाता हूँ। देखो यार रात में मैं प्रॉमिस नहीं करता, मेरे को था कि आज आपको टीटोस लेन दिखाऊं, क्योंकि रात में टीटोस, और इस समय आज फ्राइडे नाइट भी है और वीकेंड भी है, तो पार्टी वाला पूरा माहौल होगा वहाँ पर, क्लब ही क्लब है, टीटोस क्लब बहुत फेमस क्लब है, बट लगता नहीं है मुझे। तो यार देखो अगर मैंने दिखाया तो सही है, वरना आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ, कल पूरा ठीक होके आपको गोवा के दूसरे फोर्ट्स वगैरह में जाएंगे देखेंगे। तो यार अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे आ रही है अब नींद, तो मैं जाता हूँ सो।